अमेज़न पर बिक रहे 60 लाख नकली सामान, कंपनी ने अब उठाया यह कदम। हैरानी होगी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर 60 लाख नकली सामान बिक रहे थे। कंपनी ने इसकी जांच के बाद इन सामानों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। साथ ही 2022 में गलत सामान बेचने के लिए पंजीकृत 8 लाख सेलर को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर किया है। कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रौद्योगिक और विशेषज्ञों के साथ मिलकर गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को रोका गया और 60 लाख नकली सामान को आपूर्ति व्यवस्था से हटाया गया तथा उनका निपटान किया गया। इससे उन्हें ग्राहकों तक पहुंचने से रोका गया। इसमें कहा गया है कि अमेज़न की नकली सामान से संबंध अपराध इकाई 2022 में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और चीन में 1300 से अधिक अपराधियों की जांच की या फिर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा। कोरोना महामारी के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी बढ़ी, हालांकि इसके साथ ही नकली सामान बेचने की शिकायत भी बढ़ी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर बहुत सारे सेलर नकली सामान बेच रहे हैं, जिससे लोग बाद में ठगा हुआ महसूस करते हैं। अमेज़न के लिए नकली माल पर लगाम लगाने से संबंधित मुद्दा कई सालों से एक चुनौती के रूप में रहा है। आपको बता दें कि अमेज़न की वेबसाइट पर थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस की मदद से नकली प्रोडक्ट बिकने के लिए पहुंच जाते हैं। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस में विक्रेता अमेज़न की साइट पर अपने आइटम को सीधे ही लिस्ट कर सकते हैं। इसके चलते नकली सामान की बिक्री बढ़ी है। समय समय पर अमेज़न नकली सामान को बाहर करता रहता है। 9000 और कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अमेज़न अगले कुछ सप्ताह में 9000 और नौकरियों को खत्म कर सकती है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO एंडी जेसी ने सोमवार को कर्मियों को भेजी एक सूचना में यह बात कही है। इसके साथ ही यह छटनी कंपनी के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी कटौती होगी। कंपनी ने सबसे पहले इसी साल जनवरी में कहा था कि वह 18,000 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस तरह 2023 में कंपनी कम से कम 27,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। जेसी ने कहा कि कंपनी की वार्षिक योजना प्रक्रिया का दूसरा चरण इस महीने पूरा हो गया है और इसमें और नौकरियां घटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेज़न कुछ रणनीति विभागों में भर्तियां भी करेगी। वैसे गाइस आपकी क्या राय है अमेज़न की इस हरकत को लेकर? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।